स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का सबसे पहला चैप्टर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ चुका है, तभी भी हम आपको रिकॉल कराएंगे इंटीजर्स क्या है ना। तो इंटीजर्स जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इंटीजर्स को जानने के लिए हमें जानना होगा होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर जो 10 से शुरू होके 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी में जाता है। तो होल नंबर स्टार्ट एट 0 एंड काउंट अप टू इन्फिनिटी। वैसे मापिक नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और आप तो इन्फिनिटी में जाता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर है। तो ये दो डेफिनेशन है। उसके बाद आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस वीक क्लास में, क्लास 6 में पढ़ चुका है। नंबर लाइन जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो ये रहा आपका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में अब अच्छा से देख के देखिए, यहाँ से देख के देखो, यहाँ से क्या होता है? जीरो से शुरू होता है 1, 2, 3, मतलब वैल्यू जो है बढ़ रहा है, मतलब एसेंडिंग हो रहा है। एसेंडिंग हो रहा है मीन्स क्या है? वैल्यू जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ से जीरो से नीचे में आप इस तरह आप काउंट करेंगे तो क्या हो रहा है? वैल्यू जो है घट रहा है, मतलब डिसेंडिंग हो रहा है, राइट? तो इंटीजर्स का डेफिनेशन ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ होल नंबर, ना? होल नंबर मतलब जीरो से शुरू होता है एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आप नेचुरल नंबर्स के आगे हम माइनस लगा रहे हैं तो क्या होगा? वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स ये वैल्यू जो है घट रहा है, तो इस तरफ जा रहा है माइनस साइड। और होल नंबर मीन्स जीरो से शुरू होने वाला ना। तो इंटीजर्स क्या है? ये दोनों को मिला के हम इंटीजर्स कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट से देखने से क्या होगा? ये अब इसको ऐसे भी बोल सकता है, वन से शुरू होता है ये नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, पॉजिटिव ऑफ वन से शुरू होता है 1, 2, 3 ऐसे ना, यहाँ में जीरो है, फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे होके जा रहे हैं नंबर लाइन, राइट? तो इसका दूसरा डेफिनेशन है पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ नेचुरल नंबर ना, प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। ये दूसरा डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इंटीजर मीन्स क्या है? इंटीजर क्या है? एक होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और दूसरा डेफिनेशन क्या है? इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो ये दो डेफिनेशन है, दो तरीका, दो रास्ता है इसको समझने का। तो आई होप तुम ये इसको समझ गया होगा।
ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो नंबर्स आता है, ये थर्ड एंगल है जो समझने का तरीका, जो नंबर लाइन में जो नंबर्स है वो सब क्या है, इंटीजर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इंटीजर्स जब हम नंबर लाइन में देखता है तो यहाँ में वैल्यू क्या हो रहा है, आप देखो वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है मीन्स उतरा है, उतरा है मीन्स वो हमने बोला है वो एसेंडिंग है, गत रहा है मीन्स डिसेंडिंग है। तो इसलिए यहाँ से आप क्या मालूम होता है, आप ध्यान से देखिए इसको, -1 -2 -3। तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है हम लोग कि 0 और -3 कौन भरा है, बोलने से कोई कोई स्टूडेंट बोल देता है कि -3 भरा है। तो आप जब इसको नंबर लाइन में देखेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए कि -3 जो है वैल्यू जो है गत रहा है, मतलब -3 मीन्स वैल्यू जो डिसेंडिंग हो रहा है, मीन्स 0 से भी कम है, माइनस में जा रहा है ना। तो कभी कभार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होता है और इसमें भी कंफ्यूज होता है, -3 भरा है ना -2 भरा है, तो बोल देता है -3 भरा है उन्हें। लेकिन यहाँ से देखिए -3 जो है क्या है, छोटा नंबर है -2 से कम है। तो इसलिए हम हमें ये मिलता है इंटीजर्स का डिफिनेशन से, ये चीज़ भी देखने को मिलता है, कौन डिसेंडिंग हो रहा है, कौन असेंडिंग हो रहा है ना, कौन बड़ा नंबर है, कौन छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये है इंटीजर्स के बारे में। अब ये हम थोड़ा रिकॉल करेगा, जो आप क्लास 6 में पढ़ चुका वाला चीज़ को हम लोग थोड़ा रिकॉल करेगा, ठीक है। क्या क्या रिकॉल करेगा आप देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अरेंज, एक क्वेश्चन से अरेंज करो बोलिए ना, 7, 5, -4, 0, and -4 इन मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो बोलिए ना। तो हाफ क्या क्या है हमें, -5, 4, 0, and -4। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें सबसे कम वाला क्या होगा, हमको तो पता है ना, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगी ना। तो यहाँ में -1, -2, -3, -4, फिर -5। तो यहाँ में 6, यहाँ में 7, ठीक है। तो असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा, एक चीज में देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स उठना मीन्स बढ़ना, इसका मतलब छोटा से बड़ा है ना। तो यहाँ में सबसे छोटा नंबर कौन है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, यहाँ में -5 है और -4 है। ध्यान दीजिए -5 and -4 कौन बड़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसे मैंने पहले बोला है -5 और -4 में कौन बड़ा है, -4 मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में होने से क्या होगा, -5 पहले होगा, फिर -4 होगा, फिर कौन होगा, 4 के बाद 0 होगा ना, ये होगा, ये होगा, इसके बाद 0 होगा, इसके बाद 4 होगा, राइट। 0 होगा यहाँ में -4 के बाद 0, उसके बाद +4, उसके बाद कौन होगा आपका, 7 होगा, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग में होने से क्या होगा, डिसेंडिंग मीन्स क्या है, बड़ा से छोटा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग में क्या होगा, 7, 4, 0, -4,
माइनस फाइव, ये आपका कौन सा ऑर्डर में है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स बड़ा से छोटा में जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो एक चीज़ हम नंबर लाइन से और ये डेफिनेशन ऑफ इंटीजर से देखने को मिलता है, कहाँ असेंडिंग होता है, कहाँ डिसेंडिंग होता है। हम आज का वीडियो यहीं तक छोड़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।